हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सक्सेस ट्री तो आपका स्वागत है आपके कोर्स में और आई होप के आप बहुत अच्छे होंगे घर पर पूरे स्वस्थ होंगे मैं गौरव राणा आपका स्वागत करता हूँ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ सेंटेंस फॉर इंग्लिश देखिए बेसिकली सेंटेंस की अगर हम बात करें और समझने की कोशिश करें कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे दैट इज़ इंट्रोडक्शन एंड रिलेटेड थ्योरी ऑफ सेंटेंस प्लस We will look at some questions which can directly be asked from sentence or indirectly. Important thing is, sentence is the most important thing of a language. When you start learning language, there will be three things first, there will be letter, from combination of letters, there will be words, and from combination of words, there will be sentence.

एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे क्लॉजेस के बारे में कि क्लॉजेस होते क्या हैं और उनका जो है एग्जिस्टेंस क्यों है कैसे यूज़ किए जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर रहेगी दैट विल बी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो रहेगा हम देखेंगे ठीक है और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी सारी चीज़ों को जो हम पढ़ेंगे उन्हें यूज़ कैसे करना है क्योंकि देखो आपको सेंटेंस से डायरेक्टली क्वेश्चन मिले या ना मिले लेकिन इम्प्लीमेंटेड क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे और उन इम्प्लीमेंटेड क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सेंटेंस के यूज़ की तो वही यूज़ हम समझने की यहां पर कोशिश करेंगे इन द एंड ऑफ द लेक्चर सो लेट्स ठीक है आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं तो यूजेज में बता देता हूं कि इन हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे देखो एक यहां पर जो है डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं पैराजल्स जिनमें हम सेंटेंस का यूज करेंगे ठीक है तो मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि किन किन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप इन्हें यूज कर पाएंगे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आएगी दैट विल बी फिल इन द ब्लैंक्स इनमें आप जो है सेंटेंस का यूज कर पाएंगे थर्ड थिंग इनसे रिलेटेड आपके पास जो है वो एरर डिटेक्शन भी आता है ठीक है क्या पूछा जाता है एरर डिटेक्शन भी पूछा जाता है तो थर्ड थिंग ये है आपके पास तो पहली चीज आपने समझ ली दूसरी आपके पास ये है थर्ड थिंग इज एरर डिटेक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू ट्राई टू लर्न और व्हेन यू ट्राई टू इंप्लीमेंट अ लैंग्वेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक थिंग of this of a language terminology is sentence so you need to understand its meaning properly and to implement how you can implement these rules or sentence into other topics so the uh, you can say that this will be the foundation of your course so ये तीन चीजें थी I hope के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको कोई दिक्कत इनमें नहीं रही होगी तो मेरा point आपको clear है चलिए next आगे बढ़ते हैं ठीक है बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता ही दिया है ठीक है बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हम समझेंगे यहां पर ठीक है बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा प्लस यहां पर एरर डिटेक्शन जो मैंने आपको बता ही दिया है ठीक है पैराजम्बल्स ठीक है जी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा मिस करते हैं दैट इज राइटिंग ठीक है अब ये देखो जो आपका लास्ट फेज होता है ठीक है लास्ट फेज में आपको क्या करना होता है ऐसे लिखना होता है या फिर प्रेस से लिखने के लिए दिया जाता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स यू आर प्रोवाइडेड विद द टाइप ऑफ लेटर यू हैव टू फ्रेम अ लेटर इन विच यू हैव टू बी करेक्ट यू हैव टू बी करेक्ट इन सेंटेंस फ्रेमिंग एंड इन ग्रामर एंड ऑल दोंगज थिंग्स यू नीड सेंटेंस एज द बेसिक स्ट्रक्चर फ्रॉम विच यू कैन गेट ऑल दोज मार्क्स विच Uh, through which you can clear your exam. So final phase is of writing. तो so, ध्यान रखिएगा important चीज आपके लिए जो यहाँ पर है sentence का structure कैसे लिखते हैं और कैसे implement करेंगे वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आज के ही lecture में कि आप अपनी writing को भी कैसे सुधार सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है ना समझते हैं what is a sentence. ठीक है Uh, क्या है आप, आपके आपके अकॉर्डिंग क्या है सेंटेंस आपने तो पढ़े हैं ना बहुत सारे सेंटेंसेस तो क्या है आपके अकॉर्डिंग सेंटेंस ठीक है लेट्स अंडरस्टैंड इन अ प्लेफुल मैनर ठीक है एक प्लेफुल मैनर में इसे समझने की कोशिश करते हैं दिस इज अ पिक्चर ऑफ थ्री चिल्ड्रन एंड क्या यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है ठीक है ये एक सेंटेंस है इट इज रिटन निकी रिकी एंड सैम ठीक है क्या ये सेंटेंस है मुझे नहीं लगता ये सेंटेंस है ठीक है मुझे नहीं पता चल रहा कि इससे क्या मीनिंग यहाँ पर डिनोट हो रहा है यहाँ पर इनके नाम है तीन मुझे नहीं पता चल रहा कि ये क्या कर रहे हैं ठीक है इस सेंटेंस से मुझे ये ये नहीं पता चल रहा कि ये क्या कर रहे हैं ठीक है और इनके मन में क्या चल रहा है कौन सा एक्शन यहां पर हो रहा है मुझे कोई क्लियर नहीं है तो वेन वी डोंट हैव अ क्लियर आइडिया दैट इज नॉट कॉल्ड अ सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है जब हमें किसी कलेक्शन ऑफ वर्ड से पता चल जाए कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है और सामने वाले की बात समझ में आ जाए वेन वी गेट अ क्लियर आइडिया फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड अबाउट विच अबाउट विच द स्पीकर इज ट्राइंग टू से दैट विल बी कॉल्ड अ सेंटेंस आई गेस के समझ में आ गया होगा चलो तो नेक्स्ट एक पिक्चर और देखते हैं विच विल गिव यू अ क्लियर पर्सपेक्टिव यहां पर वही पिक्चर है बट वट इज रिटर्न निकी रिकी एंड सैम आर प्लेइंग फुटबॉल आर प्लेइंग फुटबॉल क्या कर रहे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं ना तो दिस इज अटेंस दिस इज अटेंस अ क्लियर परसपेक्टिव अबाउट वॉट इज गोइंग ऑन एंड वी हैव गॉट अ क्लियर आइडिया हमें एक क्लियर साइडिया क्लियर सी पिक्चर मिल गई के यहाँ पर क्या चल रहा है तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस की भी एक क्लियर डेफिनेशन होती है क्या होती है वो मैं बता देता हूं जब आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स ठीक है जी जब आपका कॉम्बिनेशन बनता है कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स का ठीक है और उससे कही गई बात जो है वो आपको समझ में आ जाए दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस तो बी क्लियर विद दैट ठीक है जी और अपने आ, अपना एक स्ट्रक्चर होता है इसका और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम आगे जो है बढ़ेंगे चलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक ब्रीफ सी डेफिनेशन देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इट सेंटेंस अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट कंप्लीट इन मतलब होता है कोई भी मिस इंफॉर्मेशन नहीं देता टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा मैं वही चीजें बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट एंड प्रोडिकेट मतलब इसके दो पार्ट्स होते हैं एक होता है सब्जेक्ट दूसरा क्या होता है प्रेडिकेट ठीक है अब प्रेडिकेट आ गया कन्वेइंग अ स्टेटमेंट या तो एक स्टेटमेंट कन्वे कर रहा हो क्वेश्चन कर रहा हो एक्सक्लेमेशन दे रहा हो कमांड हो एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ मेन क्लॉज तो जैसा कि हमने बताया था कि क्लॉज हम बाद में करेंगे तो क्लॉज पर ध्यान इतना नहीं देना एंड सम टाइम्स वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉसेस तो मे बी हो सकता क्लियर है. है इतना समझ में आ गया तो आ, जनरली आपके दिमाग में बस एक आइडिया होना चाहिए कि एक सेंटेंस क्लियर आइडिया आपको प्रोवाइड करता है एंड कंटेन सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट बी क्लियर सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट चलिए एक मैं जनरल से आपको पॉइंट बताता हूं एग्जाम्पल देख लेते हैं ही इज अ बॉय ठीक है अब यहां पर देखो ही जो है इज अ सब्जेक्ट ठीक है और बाकी भी जो पार्ट बच गया दैट इज प्रेडिकेट अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट द रेस्ट पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट ना व्हाट इज अ सब्जेक्ट व्हाट इज अ सब्जेक्ट तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पोर्शन आया दैट इज वॉट इज सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट ठीक है जैसे हमारे पास एक सिंपल सा एग्जाम्पल है अगर हम कहें सब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट इज डूबर क्या होता है सब्जेक्ट इज डूअर सब्जेक्ट ही वो एक ऐसी चीज है जो काम करता है ठीक है इस पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं ठीक है थीके? इस पर सारी चीजें क्या करती हैं डिपेंड करती हैं जैसे घर का मुखिया कौन होता है फादर तो फादर पर सारी चीजें क्या करती हैं डिपेंड करती हैं तो ही इज सब्जेक्ट ठीक है जनरल साइक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ठीक है तो हम अगर बात कर रहे हैं यहां पर इन तीनों सेंटेंसेस में यहां पर हमारे पास क्या है ही सब्जेक्ट आ गया यहां पर पहले वाले में भी ही था वॉट आर नाइस वेदर अब यहां पर जो हमारे पास है सब्जेक्ट दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर अबाउट विच वी टॉक अबाउट विच वी राइट समथिंग दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल बी क्लियर विद डैट फोकस ऑन दैट एग्जाम्पल इट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर Rohan is playing football. Now, this whole scenario is depicting what Rohan is doing. So, according to this sentence, Rohan is the subject. Rohan is doing everything. So, doer Rohan, this thing is written about Rohan. So, through that uh, through those both scenarios you can understand what is the subject and how does it relate to a sentence the rest of the part apart from subject is predicate is predicate we will understand this uh, concept briefly in in uh, in a descriptive manner but in uh, in the later ones so i guess you have got a clear picture about the subject and its

अगर हम बात करें सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर तीन चीजों पर डिपेंड करता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लेकिन मैंने तो अभी बताया था कि प्रेडिकेट होता है भाई है ना लेकिन आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि वर्ब और सब्जेक्ट को ही हम क्या बोलेंगे प्रेडिकेट बोलेंगे क्या बोलेंगे प्रेडिकेट बोलेंगे वर्ब और सब्जेक्ट को ही हम क्या बोलेंगे भाई प्रेडिकेट बोलेंगे जैसे आप सामान लेने घर जा रहे हो तो कौन जा रहा है घर आप आप क्या हो गए सब्जेक्ट क्या कर रहे हो आप घर जा रहे हो क्या कर रहे हो घर जा रहे हो तो वर्ब क्या होती है एक ऐसा वर्ड जो क्या रिप्रेजेंट करता है आपको एक्शन रिप्रेजेंट करता है क्या रिप्रेजेंट करता है एक्शन रिप्रेजेंट करता है ध्यान रखिएगा कि क्या काम हो रहा है ठीक है क्या काम हो रहा है तो घर जाने का काम हो रहा है ठीक है तो वो घर जा रहा है और क्या करने जा रहा है घर क्या करने जा रहा है सामान लाने तो वो क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ अब एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको एक जनरल सा एग्जाम्पल समझते हैं आई एम डूइंग माई वर्क ठीक है सिंपल सा एग्जाम्पल है अभी सेंटेंस किसके बारे में रिटर्न है बताइए जल्दी से किसके बारे में लिखा गया सेंटेंस बिल्कुल सही आई के बारे में लिखा गया किसके बारे में लिखा गया आई के, के बारे में तो आई कहां चला गया सब्जेक्ट की तरफ द होल सेंटेंस इज रिटर्न अबाउट आई तो आई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया अब ये क्या कर रहा है डूइंग ये कर रहा है कुछ ठीक है तो किससे पता चला एक्शन डूइंग से पता चला अब ध्यान रखना कि जब ही भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो हम इन्हें इस तरीके से जोड़ देते हैं तो एम डूइंग क्या है ये एक इंटरफेस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को इकट्ठे लिखा जाता है तो वो हम समझेंगे ऐसा कुछ नहीं है नहीं समझेंगे बस अभी आपको डूइंग पर ध्यान देना है तो डूइंग क्या हुआ एक्शन वर्ड जिससे हमें एक्शन का पता चलता है तो ये कहां चला गया चलो वर्ब पर अब अगर आप सेंटेंस से पूछें कि ये क्या कर रहा है पूछो क्या कर रहा है ये बताओ क्या कर रहा है काम कर रहा है ठीक है क्या कर रहा है काम कर रहा है तो ये जो पोर्शन जाएगा ये कहां जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा कहां पर जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं एक बार और समझते हैं सो so दैट के आपको जो है इन सभी चीजों पर एक क्लियर सा पर्सपेक्टिव मिल जाए भाई ठीक है जी थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हम एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सब्जेक्ट और क्या वर्ब हमारे पास है ठीक है जी ध्यान से समझना आप ध्यान से बहुत ध्यान से ठीक है फोकस ऑन दिस एग्जाम्पल इट विल क्लियर गिव यू अ क्लियर पिक्चर हाँ जी ये है आपके पास सेंटेंस अब यहां पर यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है बताओ मिल गया बिल्कुल सही राहुल क्या है भाई सब्जेक्ट है ठीक है तो ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट जो है वो नेम ही हो वो कुछ और वर्ड के साथ भी आ सकता है जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो आपको टिपिकल सब्जेक्ट्स मिलते रहेंगे अब राहुल क्या कर रहा है यहां पर काट रहा है ठीक है इज कटिंग ठीक है ठीक है तो इससे हमें क्या पता चला Action, ये क्या करता है आपको? Action करता। और मैंने बताया था वर्ब एक्शन वर्ड है, है क्या है वर्ब? Action word है और राहुल क्या है सब्जेक्ट है तो दिस इज डूबर क्या है भाई ये डूबर है तो सब्जेक्ट हो गया डुबर वर्ब क्या हो गया एक्शन वर्ड ठीक है और ये क्या काट रहा है वेजिटेबल्स ठीक है तो एक्शन जो है वो किस पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है ऑब्जेक्ट पर ठीक है और ऑब्जेक्ट यहां पर क्या हुआ वेजिटेबल्स ठीक है जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जाता है ध्यान रखिएगा जिस पर ट्रांसफॉर्म होता है आपका एक्शन ठीक है ट्रांसफॉर्म uh, होता है एक्शन उसे हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई ऑब्जेक्ट बोलते हैं तो डूबर हमारे लिए आ गया यहां पर वर्ब भी हमारे लिए आ गई है परफॉर्मड और ट्रांसफॉर्म्ड एक्शन जो था वो किस पर था वेजिटेबल्स पर था अब हमारे पास एक और चीज बची जिसे हम किस कॉन्टेक्स्ट में लेकर के आएंगे टाइम के कॉन्टेक्स्ट में लेकर के आएंगे ठीक है किसके कॉन्टेक्स्ट में लेकर के आएंगे टाइम के कॉन्टेक्स्ट में लेकर के आएंगे आपको जो है इन तीनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि देखो सब्जेक्ट क्या होता है काम करता है द वन हु परफॉर्म्स एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट ठीक है द एक्शन वर्ड विच विच डिफाइंस वॉट इज द एक्शन विच इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड वर्ब एंड ऑन विच द एक्शन इज ट्रांसफॉर्म्ड ऑन विच एक्शन इज परफॉर्म्ड यू कैन से दैट दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्लियर आई गेस के आपको ये वाला स्ट्रक्चर जो है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया होगा अगर समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देखें ठीक है अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो डाउट जरूर पूछें यू हैव आर मेल आई ठीक है आपके पास डिस्कशन फोरम है आप वहां पर डाल सकते हैं जरूर पूछेगा अगर आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है इसमें कोई इशू आ रहा है तो टाइम मैंने अलग से बताया मैंने अभी इनमें इंक्लूड नहीं किया है नाउ अब चीज़ें किस तरीके से चलती हैं आपने ना बहुत बड़े बड़े लेंथी सेंटेंसेस देखे होंगे यू हैव सीन मल्टीपल लेवल ऑफ सेंटेंसेस लाइक अ शॉर्टर वन अ लेंथियर वन ठीक है तो न्यूज़पेपर uh, में जब आप पढ़ते हो तो बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलते हैं बहुत लेंथी सेंटेंसेस मिलते हैं उन्हें उन्हें uh, कैसे बनाया जाता है या कौन सा तरीका होता है उन्हें बनाने का क्यों वो बनते हैं कैसे उन्हें ब्रेक किया जाता है वो समझते हैं ठीक है क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको वो सारी चीजें जो हैं वो मिलेंगी ही मिलेंगी तो उन्हें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं सो so दैट आपकी जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाए ठीक है जी चलो तो थोड़ा सा समझते हैं ठीक है क्लियर थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव रखना मैं आपको एक थोड़ा सा बड़ा जो है एक स्ट्रक्चर समझाने वाला हूं दिस इज सेंटेंस ठीक है सेंटेंस का मीनिंग आपको पता था सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है एक आता है सब्जेक्ट सेकंड वन इज प्रेडिकेट ध्यान से समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बता रहा हूं ठीक है ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज के मॉडर्न इंग्लिश में जो लेंथी सेंटेंसेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए पैराजिम्बल्स के लिए वो भी ध्यान रखना ठीक है तो क्लियर करिए फोकस समझने की कोशिश करिएगा सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट को भी इसने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है एक होता है मेन वर्ड और दूसरा होता है क्वालिफायर दूसरा क्या होता है क्वालिफायर अब मेन से आप समझ सकते हैं कि जिस पर पूरा सेंटेंस जो है आपका डिपेंड करता है उसे क्या बोलते हैं हम बोलते हैं अब मैं आपको एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया था राहुल का तो मैं फिर से दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं ठीक है आ, विराट ठीक तो देखिए यहां पर जो है आ, विराट आपका क्या हो गया मेन वर्ड हो गया जिस पे पूरा सेंटेंस डिपेंड कर रहा है और उसकी क्वालिटी कौन बता रहा है आपको उसकी क्वालिटी बताने के लिए यहां पर जो क्वालिफायर दिया गया है क्या दिया गया क्वालिफायर दिया गया है दैट इज अ गुड प्लेयर तो जब भी भी हमने सब्जेक्ट को लेंथी बनाना होता है तो हम दो पार्ट्स यूज करते हैं फर्स्ट वन इज मेन वर्ड एंड सेकंड वन इज क्वालिफायर यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड फिक्स इन योर माइंड दैट वाइल वी विल हैव अ लॉन्ग सेंटेंस तो दीज थिंग्स कैन बी देयर क्लियर तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी तो विराट आपका क्या हो गया मेन वर्ड अ गुड प्लेयर क्या हो गया क्वालिफायर नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेडिकेट व्हाट डस प्रेडिकेट मीन प्रेडिकेट का मीनिंग होता है व्हिच इज प्रेडिक्टेड अपॉन और डिपेंडेड अपॉन मतलब ये डिपेंडेंट होता है किस पर डिपेंडेंट होता है सब्जेक्ट पर मतलब सब्जेक्ट की जो भी बाकी एक्टिविटी है दैट विल बी कॉल्ड प्रेडिकेट मींस यू कैन से दैट एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट ठीक है जी सब्जेक्ट की जो भी एक्टिविटी बचेगी उसे हम क्या कहेंगे प्रेडिकेट बोलेंगे भाई और प्रेडिकेट के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं तो उन्हीं पार्ट्स के बारे में जिक्र कर लेते हैं फर्स्ट वन इज वर्ब सेकेंड इज ऑब्जेक्ट एंड थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट थर्ड क्या है आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है देखो ध्यान रखना यह सीओ एम पी एल आई नहीं है कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो पूरा करता है चीजों को क्या करता है कंप्लीट करता है वर्ब वर्ब क्या होता है हमेशा एक एक्शन वर्ड ठीक है क्या होता है एक्शन वर्ड इसके भी दो पार्ट होते हैं क्या होते हैं दो पार्ट होते हैं तो जैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या करता है विच हेल्प्स वर्ब मेन वर्ब टू स्टैब्लिश जो स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है जैसे प्ले प्ले एक वर्ब है लेकिन इज प्लेइंग का मतलब है कि वो अभी खेल रहा है और वॉज प्लेइंग का मतलब था कि वो पहले खेल रहा था मीन वॉट इज द वर्क ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज टू द मेन वर्ब क्लियर आई गेस कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे से ठीक है तो वर्ब में भी आपको मैंने बता दिया कि दो टाइप के होते हैं एक हेल्पिंग वर्ब होता है एक verb होता और एक मेन वर्ब होता है नॉर्मली वी गो फॉर मेन वर्ब ठीक है जी ऑब्जेक्ट जिस पर वर्ब का जो एक्शन है वो क्या हो रहा हो डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा हो ठीक है जैसे मैं वेजिटेबल्स काट रहा हूं ठीक है है तो ये जो काटने वाला एक्शन डायरेक्टली किस पर ट्रांसफर हो रहा है वेजिटेबल्स पर दैट्स मैं इसे क्या बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं अब तो आ, दो चीजें आपको पता चल गई या फिर वर्ब के अलावा जो वाला जो भी अलग पार्ट बचेगा उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं ये चीज ध्यान रखिएगा कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट के भी फर्दर तीन पार्ट्स होते हैं ठीक है जी तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्स के कॉम्प्लीमेंट के भी आगे तीन पार्ट होते ही हैं ठीक है पहला होता है मैनर ठीक है जी क्या होता है मैनर उसके बाद आता है प्लेस देन टाइम एमपीटी बोलते हैं क्या बोलते हैं एमपीटी मैनर ट के तीन पार्ट है वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और मैंने कॉम्पलीमेंट के भी आपको तीन पार्ट बताए एक मैनर है दूसरा प्लेस है और थर्ड वन इज टाइम ये इसी ऑर्डर में रहते हैं तभी एक करेक्ट सेंटेंस बनता है सपोज आपने टाइम पहले रख लिया प्लेस बाद में रख लिया जैसे आम गोइंग टू स्कूल इट लुक्स ऑड इट इज ऑकवर्ड बिकॉज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर तो अब आप देखो कि इतने सारे पार्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं एक सेंटेंस में और इन सेंटेंस को जोड़ा भी जा सकता है थ्रू कंजंक्शंस थ्रू प्रिपोजिशंस थ्रू लिंकिंग वर्ब्स तो तब जाकर के आपका जो है एक लेंथी सेंटेंस बनता है दैट्स वाई यू

ठीक है, सो so दैट के आप समझ लेंगे थोड़ा सा पार्ट मैं रब कर रहा हूं थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे यहां पर हमारे पास था विराट अ गुड प्लेयर ठीक है जी इज प्लेइंग ठीक है इज प्लेइंग ध्यान रखना मैंने क्या दे दिया वर्ब दे दिया इससे पता चल रहा है एक्शन इज प्लेइंग क्या कर रहा है क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया ठीक है क्या आ गया ऑब्जेक्ट आ गया अब क्रिकेट कैसे खेल रहा है ब्रेवली बहादुर बहुत बहादुरी से ब्रेवली लगा दिया मैंने तो ये क्या हो गया मैनर मैनर का मतलब होता है हाउ द एक्शन इज डन हाउ द एक्शन इज डन एक्शन कैसे किया जा रहा है वो कैसे खेल रहा है ब्रेवली इन ब्रेव मैनर ठीक है जी कहा खेल रहा है इन द ग्राउंड इन द ग्राउंड टाइम के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ सकता है नाउ नाउ डिफाइन टाइम तो क्लैरिफाई हो गई सारी चीजें अभी तो देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया एक सेंटेंस कंप्लीट किया जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले वाले तीन चार वर्ड्स के आ, अलावा कौन कौन से वर्ड्स ऐड हुए अ गुड प्लेयर ऐड हुआ है ठीक है ब्रेवली इन द ग्राउंड नाउ ऐड हुआ तो सेंटेंस की जो है लेंथ बढ़ गई है ठीक है तो दिस इज हाउ द थिंग गोज आपको इस स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा क्योंकि जब हम पैराजल करते हैं ना जब हमें चार पांच पार्ट्स अलग दे दिए जाते हैं क्या कर दिया जाता है एक सेंटेंस के सपोज के पांच पार्ट्स अलग दे दिए हैं ठीक है वो पांच फॉर्म्स में दे दिया ए बी सी डी ई तो जब आपको पता होगा कि पहले सब्जेक्ट लाना है तो आप सब्जेक्ट को ढूंढ करके लाएंगे कि कौन सा वर्ड है जो सब्जेक्ट की क्वालिटी आपको डिनोट कर रहा है फिर आप वर्ब पर जाएंगे फिर आप ऑब्जेक्ट पर जाएंगे अगर इनके अलावा कुछ और पार्ट्स बचते हैं तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन्हें क्या कर देंगे एक तरीके से एक्यूमुलेट कर देंगे तब जाकर के वो चीजें जो है वो करेक्ट होंगी भाई क्लियर हो गया समझ में आ गया तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस अब आगे बढ़ते हैं ठीक है समझते हैं आ, ये रहा अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल है ठीक है अब आपने इसको थोड़ा सा और सीरियसली करना है बहुत अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे आ, सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो है मेन वर्ड क्या है और मेन वर्ड ईजिली आपने फाइंड आउट कर लिया होगा दैट राधा इज द मेन वर्ड राधा क्या है आपके लिए मेन वर्ड का, का काम कर रहा है ठीक है तो राधा आपका मेन वर्ड हो गया नाउ वी विल आस्क सम है तो तो अगर आप कहें, तो पहला जो क्वेश्चन है, that is, who is राधा ठीक है राधा According to this sentence, who is राधा? हां जी बताएं आप सभी सोचें तो मिल गया होगा आंसर अ फेमस सिंगर राधा इज अ फेमस सिंगर ठीक है अब ये क्वालिटी बता रहा है उसकी क्या बता रहा है क्वालिटी बता रहा है तो किसका काम हुआ ये क्वालिफायर का काम कर रहा है क्या हो गया क्वालिफायर मतलब दिस वर्ड और दिस क्वेश्चन क्वालिफायर ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शी डिड वॉट शी डिड हां जी क्या किया उसने बताओ शी सेंग ठीक है ये आ गया तो मतलब अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं तो दिस विल प्रोवाइड यू द वर्ब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है वर्ब व्हाट इज द्वेश्स होगा हु uh, की जगह पर व्हाट कर लीजिए व्हाट शी सेंग ठीक है तो व्हाट शी सॉन्ग तो ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको ऑब्जेक्ट ये रहा ऑब्जेक्ट भाई ठीक है ये क्या है आपके लिए ऑब्जेक्ट है ठीक है और आ, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हाउ शी सैंग टेल मी जस्ट हाउ शी सैंग बताइए सोचिए देखिए यहां पर कुछ मिल रहा है तो यस यू आर करेक्टी मच दैट इज ब्यूटिफुली ब्यूटिफुली यहां पर है तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको मैनर क्या प्रोवाइड कर रहा है मैनर और अगर हम आगे देखें तो वेयर शी सैंग ये क्या है आपके पास एट द कॉन्सर्ट मिल गया ये क्या दे रहा है आपको हाँ जी ये क्या दे रहा है बिल्कुल सही प्लेस दे रहा है और अगर वेन से पूछ लेंगे तो वो क्या दे देगा आपको टाइम प्रोवाइड कर देगा क्या प्रोवाइड कर देगा टाइम प्रोवाइड कर देगा एंड द सेंटेंस इज राधा अ फेमस सिंगर सैंग अ सॉन्ग ब्यूटिफुली एट द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट क्लियर तो ये आपके पास जो था ये कंप्लीट सेंटेंस था क्लियर हो गया भाई समझ में आ गया सभी को ठीक है आई होप के आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं जिनसे हमें ये चीजें जो हैं क्लियर हो जाएंगी ठीक है तो वही है फंडा बहुत समझ करके चलना है एक मैंने टिपिकल दिया एक थोड़ा सा इजी दे दिया देखो यहां पर जो पॉइंट है विनोद क्या है आपके लिए एक सब्जेक्ट है मेन वर्ड है अ गुड सन क्या है आपके लिए क्वालिफायर का काम कर रहा है Brinks, brings, brings का मतलब होता है लाना तो मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है एक्शन दैट मीनस वर्ब ठीक है वेजिटेबल्स क्या ला रहा है ये? वेजिटेबल्स ठीक है क्या ला रहा है वेजिटेबल्स अनडाउटेडली मैनर ठीक है मैनर आ गया ठीक है डेली आ गया टाइम ठीक है और ये हमारे पास क्या आ गया प्लेस अब नॉर्मली यहां पर टाइम प्लेस क्या हुआ थोड़ा सा बदल गया तो सेंटेंस क्या हो गया गलत हो गया तो डेली को वहां पर प्लेस uh, की जगह पर लेकर के जाएंगे ठीक है तो अनडाउटेडली टू होम डेली ठीक है फॉर हिज पेरेंट्स या फॉर हिज पेरेंट्स के बाद भी डेली लगा सकते हैं तो अब आपको एरर भी पता चल रहे होंगे कि, कि किस तरीके से आपको एरर निकालना है इजिली ठीक है तो ये जो पार्ट बच गया ये हमारा ऑब्जेक्ट में इंक्लूड होगा ये ध्यान रखिएगा किसमें आएगा आपके लिए ऑब्जेक्ट में आएगा तो क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें नाउ लेट्स लुक एट द देंदियर सेंटेंस विच वी जनरली ट्राई टू विच वी जनरली फाइंड इन न्यूज पेपर एडिटोरियल से पढ़ना ध्यान से समझना क्या चल रही है चीजें देखो लॉन्ग आफ्टर शाहीन बाग ठीक है यह है पूरा सेंटेंस लॉन्ग आफ्टर शाहीन बाग बिकेम पोटेंट सिंबल ठीक है ये हमारे लिए वर्ब है ठीक है लॉन्ग आफ्टर यह हमें टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन्ग आफ्टर और जरूरी नहीं कि बिल्कुल एंड में आए टाइम शुरू में भी आ सकता है सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है ठीक है लॉन्ग आफ्टर शाहीन बाग ठीक है शाहीन बाग क्या हो गया सब्जेक्ट बिकेम अटेंट सिंबल ये हो गया ऑब्जेक्ट ये इसको आगे डिफाइन कर रहा है ऑफ डेमोक्रेटिक जिस्टेंस ठीक है जी ये हमारे लिए प्रपोजिशन आ गई ठीक है अगेंस्ट अ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ ये हमारा ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है ध्यान रखना ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है अब ये नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो गया यहां से कॉमा आया है द सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है हैज ये मेन वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब है वेंचर्ड ठीक है वेंचर्ड क्या हो गया आपके लिए मेन वर्ब हो गया ठीक है टू होल्ड अब टू जब भी आता है मेन वर्ब के बाद तो ये नेक्स्ट वर्ब uh, को जोड़ता है तो होल्ड भी हमारे लिए क्या होगा वर्ब होगा दैट एनी सच इनडेफिनिट ब्लॉकेड ऑफ अ पब्लिक पाथवे ये हमारे लिए इतना लंबा सब्जेक्ट है एनी सच इनडेफिनिट ब्लॉकेड ऑफ अ पब्लिक पाथवे इज अनएक्सेप्टेबल ये हमारे लिए वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब का काम का 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 करेगा और ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम का का करेगा ठीक है क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है क्लियर है हाँ जी देखो ये वाला सेंटेंस नॉर्मली जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तभी समझ में आता है वैसे समझ में नहीं आएगा तो आपको कोशिश क्या करनी है कि जब आप रेगुलर रीडिंग करेंगे तो रेगुलर रीडिंग में आपको सारी चीजें क्लैरिफाई होती रहेंगी ठीक है ये सारी चीजें आपने तभी से डिफाइन करनी है तो आई गेस के कुछ कुछ चीजें आपको यहां से क्लियर हुई होंगी ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा देखो लेट्स टॉक अबाउट क्लॉजेस ठीक है जितना मैं बताऊंगा उतना इंपॉर्टेंट है उसके अलावा आपको और किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं है क्लॉज को जो है हम ब्रीफली स्टडी करेंगे इन टेंसेस उससे पहले स्टडी नहीं करते देखो क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें वर्ब होता है ठीक है और अदर कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं मतलब सब्जेक्ट भी होगा वर्ब भी होगा और अदर कॉम्पोनेंट्स भी होंगे अब क्लॉज क्या है एक सेंटेंस uh, का या तो एक पार्ट बना सकता है कंप्लीट सेंटेंस बना सकता है जरूरी नहीं कि कंप्लीट सेंटेंस ही हो हर बार सेंटेंस इज अ डिफरेंट थिंग क्लॉज इज अ डिफरेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ठीक है तो इसने पहले ही क्लियर कर दिया यहां पर कि या तो एक पूरा सेंटेंस बनाएगा या सेंटेंस का एक पार्ट कंप्लीट करेगा अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं ही वॉज ईटिंग अ बेकन सैंडविच ठीक है ये जो है सब्जेक्ट है आपके पास ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्या है इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्या है इंडिपेंडेंट क्लॉज है? है मतलब इससे ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है अब यहां पर देखो शी हैड अ लॉन्ग कैरियर बट यहां पर जो नेक्स्ट पार्ट है जो नेक्स्ट चीज है डिपेंडेंट क्लॉज को द, आ, शो कर रहा है ठीक है जी, क्या शो कर रहा है? डिपेंडेंट क्लॉज को शो कर रहा है आप देख सकते हैं शी हैड अ लॉन्ग करियर बट आ गया तो उसके बाद एक चीज दूसरी चीज पर क्या हो गई डिपेंडेंट हो गई देख लीजिए शी इज रिमेंबर्ड मेनली फॉर वन अर्ली वर्क क्लियर तो नॉर्मली क्लॉज दो ही टाइप की हम पढ़ते हैं एक होती है डिपेंडेंट और दूसरी क्या होती है इंडिपेंडेंट मैंने आपको दोनों के एग्जाम्पल एक तरीके से बता दिए ठीक है समझ में आ गया इतनी इन्फॉर्मेशन अभी तक दिमाग में रखनी है अबाउट क्लॉजे इसके अलावा आपने कोई इंफॉर्मेशन क्लाजेस की तो दिमाग में नहीं रखनी अब हम देखने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखो सेंटेंस पढ़ लिया सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लिया किस तरीके से लेंदी सेंटेंस आते हैं वो देख लिया क्योंकि बेसिक हम पढ़ रहे हैं अभी ठीक है उससे आगे वाले लेवल पर हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन प्लस हमने क्लॉजेस देख लिए जितनी रिक्वायरमेंट अभी है ठीक है अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखो अगर हम बात करें तो देर आर थ्री टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन प्रैक्टिकल लेवल देखो वैसे क्या होता है ग्रामर में जो है आपको सिंपल मिलेगा कंपाउंड मिलेगा कॉम्प्लेक्स मिलेगा देर आर थ्री टाइप ऑफ सेंटेंसेस बट uh, which type of sentences we generally use while writing these are three sentences ek hota simple negative interrogative negative mein not aata hai dhyan rakhna interrogative mein wo kya puchega aapse question puchega kya puchega क्वेश्चन पूछेगा और सिंपल सेंटेंस में वो क्या देता है आपसे कोई भी statement देगा which will be without not or without question. इतना सिंपल सा आपको याद रखना कि भाई तीन ही टाइप के सेंटेंस हम जनरली यूज करते हैं ठीक है जी अब तीनों को देख लेते हैं देखो सिंपल सेंटेंस क्या है सारा सारा एंड इरा ड्रॉव टू द स्टोर इसमें कहीं पर भी उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उसने अपनी स्टेटमेंट बता करके बोल दिया है कि उन्होंने ये काम किया है एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज जेनी एंड आई ओप ऑल द गिफ्ट्स तो देर इज नो निगेशन कोई भी निगेशन नहीं है देर इज नो क्वेश्चन ठीक है कोई भी क्वेश्चन नहीं है ठीक है तो द कैट एंड डॉग एट ठीक है माई पेरेंट्स एंड आई वेंट टू अ तो सिंपल सेंटेंस है यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया ये वर्ब हो गया एंड ये आपके लिए प्लेस का काम कर रहा है अब यहाँ पर इसी तरीके से आप देख सकते हो ओपन ऑल द गिफ्ट्स तो ये वर्ब है आपके लिए ठीक है और ये क्या हो गया आपके लिए ऑब्जेक्ट का, का काम कर रहा है तो क्लियर हो गया समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें आपको है ना चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे ठीक है नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं अब देखो यहाँ पर आपको मीम भी मिल जाएंगे बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंस में क्योंकि गड़बड़ होती है आपसे तो यहाँ पर हर एक नेगेटिव सेंटेंस में नॉट यूज हुआ है आप देख सकते हैं ठीक है नेगेटिव सेंटेंस वही होता है जिसमें जनरली नॉट यूज होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब आएगा इसके बाद नॉट आएगा प्लस मेन वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा भाई ठीक है दिस विल बी द स्ट्रक्चर जैसा आप देख सकते हैं दैट इज नॉट द वे टू नैशवेल ठीक है तो बेसिकली uh, अगर आप कहें तो दैट यूज हो गया दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया इज नॉट आया है द वे टू नैशल है क्लियर तो इन ऑल द सेंटेंसेस वी हैव used द सेम थिंग और द सेम स्ट्रक्चर टू डिनोट अ नेगेटिव सेंटेंस clarify है समझ में आ गया है कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेशक अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करिए और देखिए समझने की कोशिश करिए क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं विच विल बी इंप्लीमेंटेड लेटर ठीक है और क्वेश्चन हम करेंगे बहुत अच्छे से नेक्स्ट पार्ट में सो so दैट के आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अब नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं सॉरी की अब देखो ध्यान रखना कि नेगेटिव सेंटेंस में भाई साहब ने भी बंदूक लेके बोल रहे हैं कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा तो देखो इसने क्या बोल दिया डू यू वॉन्ट टू गो देर क्या तुम तो वहां जाना चाहते हो डू यू वॉन्ट टू डू रियली वॉन्ट टू गो देर इस टाइप ता, से डिड यू सी हर

क्वेश्चन मार्क ठीक है नहीं तो भाई साहब गोली मार देंगे है ना अब दूसरे टाइप में क्या होता है पहले आता क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच फैमिली वाई वेन वेयर ठीक है ये टाइप के वर्ड आएंगे प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा भाई प्लस मीन वर्ब आएगा ठीक है प्लस ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन क्वेश्चन मार्क क्लियर सेंटेंस देख लो हाउ यूज हो गया ऑफन आ गया हेल्पिंग वर्ब आ गया डू ठीक है सब्जेक्ट आ गया यू मेन वर्ब आ गया गो बाकी जो भी बचा ऑब्जेक्ट क्लियर हाँ जी क्लियर हैं चीजें समझ में आ गई हैं ठीक है तो बस ये चीजें आपको थोड़ी सी समझनी होती हैं अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज नथिंग विच वी शुड लर्न फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशनस जो भी टेंसेज से रिलेटेड होगा या क्लॉज का जो है एक एक्सटेंडेड वर्जन होगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ टेंसेज uh, वाले लेक्चर में तो आई गेस के आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको कोई डाउट इनमें नहीं होगा तो आज के पार्ट में इतना ही आज के लेक्चर के में इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे मैंने इस लेक्चर में आपको बताया बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर ग्रामर पर्सपेक्टिव से क्या स्ट्रक्चर होता है वो समझाने की कोशिश की है आपको ठीक है और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कराए क्लॉजेस आपको दिखाएं कि बेसिक क्लॉज क्या होता है क्लॉज का मीनिंग क्या होता है ठीक है सेंटेंस का भी हमने मीनिंग समझा था पार्ट समझे हमने उनके तो आई गेस के ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और इनको इम्प्लीमेंट जो करना है वो नेक्स्ट पार्ट में करना है. तो टिल देन थैंक यू वेरी मच